हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। तो न्यू स्कॉर्पियो या फिर स्कॉर्पियो एन जो है दोस्तों, उसमें यहाँ पे कटिंग एज फीचर्स ऑफर करे जा रहे हैं। पहले से ये कार मच बेटर है स्पेस के मामले में, कंफर्ट के मामले में, ओवरऑल रोड प्रेजेंस के मामले में। एंड क्विकली दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसके टॉप 10 अमेजिंग फीचर्स जो कि ये कार ऑफर करी और काफ़ी वैल्यू फॉर मनी ये रहने वाली। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट फीचर के बारे में। सो वो है यहाँ पे सोनी का साउंड सिस्टम। तो आपको यहाँ पे सोनी का साउंड सिस्टम मिलेगा 3D साउंड स्टेजिंग के साथ। 12 स्पीकर्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, इंक्लूडिंग ट्विटर, सबवूफर एंड एम्पलीफायर। एंड ये टॉप क्लास आपको साउंड क्वालिटी ऑफर करेंगे। बात करते हैं सेकेंड फीचर के बारे में। सो सेकेंड इज ड्राइवर ड्राउजीनेस अलर्ट, जो कि मर्सिडीज बेंज में भी आता है, जिसका नाम रहता है ड्राइवर अटेंशन असिस्ट। सो बेसिकली ये क्या करता है, XUV700 में भी फीचर अवेलेबल है। तो फॉर एग्जांपल आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं, आप यहाँ पे स्लीपी फील कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है आपको एक नोटिफिकेशन देगा दैट यू शुड टेक अ टी ब्रेक और कॉफ़ी ब्रेक। वो आपकी जो आईज़ हैं, जो आपका फेस है, उसको सेंस कर लेगा कि आप ड्राउजी फील कर रहे हैं, यानी कि स्लीपी फील कर रहे हैं, तो आपको वो ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देगा। एंड कोई भी एक्सीडेंट होने से वहाँ पे प्रिवेंट हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ क्वाइट गुड सेफ्टी फीचर। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो इसके बाद आता है दोस्तों डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी। तो स्कॉर्पियो में अभी तक अवेलेबल था सिंगल जोन एसी, यानी कि आप एक एसी का टेम्परेचर जो सेट करते थे उस अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर है वो सेट हो जाता था। लेकिन अब आपको यहाँ पे मिलता है डुअल जोन एसी। तो यहाँ पे आप दो टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, यानी कि ड्राइवर जो है वो अपना डिफरेंट टेम्परेचर सेट कर सकता है, जो को ड्राइवर यानी कि जो पैसेंजर है वो अपना डिफरेंट टेम्परेचर एसी का सेट कर सकता है। तो दो एसी के जो वेंट है उसमें से डिफरेंट टेम्परेचर की एयर फ्लो होती है, एंड दो जो वेंट्स है उसमें से डिफरेंट टेम्परेचर की एयर फ्लो होती है। सो अब आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। XUV300 में भी ये फीचर अवेलेबल है, एंड अब यहाँ पे स्कॉर्पियो में भी आपको मिल जाता है। एंड नेक्स्ट फीचर आता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक सनरूफ का। तो बेसिकली जब स्कॉर्पियो टेस्ट हो रही थी तो ये इलेक्ट्रिक सनरूफ के साथ भी स्पाई करी गई थी और पैनोरामिक सनरूफ के साथ भी स्पाई करी गई थी। लेकिन अब ये जो लॉन्च करी जा रही है इसमें दोस्तों आपको मिलेगी इलेक्ट्रिक सनरूफ, यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ अवेलेबल नहीं है। हालांकि पैनोरामिक सनरूफ जो है वो शायद इनको दे देनी चाहिए थी, इवन टॉप मॉडल में भी दे देते दे तो भी काफ़ी बेटर रहता, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक सनरूफ एंड पैनोरामिक सनरूफ में जो आपको डिफरेंस मिलता है दैट इज़ अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। इलेक्ट्रिक सनरूफ इतनी काम की नहीं रहती जितनी पैनोरामिक सनरूफ काम की रहती है, स्पेशली अच्छे वेदर में जब आप ड्राइव करते हैं, देन यू नो द रियल फन ऑफ पैनोरामिक सनरूफ। तो पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पे देनी चाहिए थी बट अवेलेबल नहीं है। हो सकता है नियर फ्यूचर में यहाँ पे बाद में आई जाए, इंट्रोड्यूस करी जाए, बट लेट्स सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो पुरानी जो स्कॉर्पियो थी उसमें आपको जो फीचर्स मिलते थे काफ़ी लिमिटेड थे और काफ़ी जो मॉडर्न फीचर्स होते हैं वो मिसिंग थे। लेकिन अब आपको यहाँ पे काफ़ी मॉडर्न फीचर्स भी मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे अब आपको स्मार्ट कीलेस एंट्री मिल जाती है, इंजन पुश स्टार्ट बटन भी अवेलेबल रहेगा, यानी कि डोर हैंड ब्रेक बटन अवेलेबल रहेगा, उसको आप प्रेस करेंगे तो कार लॉक हो जाएगी, दोबारा प्रेस करेंगे तो अनलॉक हो जाएगी। एंड इंजन पुश स्टार्ट बटन इज़ ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट। और न्यू स्कॉर्पियो दोस्तों अब आपको 360 डिग्री कैमरा ऑफर कर दिया है, जो कि एक क्लास लीडिंग फीचर है, एंड इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फीचर। टाइट पार्किंग में दोस्तों आप गाड़ी आराम से लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, एंड इट इज़ अ वेरी अमेजिंग फीचर। एंड न्यू स्कॉर्पियो में सेफ्टी का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। जो ओल्ड स्कॉर्पियो थी पहले तो उसका था 0 स्टार ग्लोबल एन कैप रेटिंग, यानी कि 0 स्टार मिले थे बिकॉज जो ए पिलर थे कम्प्लीटली डैमेज हो गए थे इन ग्लोबल एन कैप टेस्ट। लेकिन अब यहाँ पे जो सेफ्टी है इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ करी जा रही है दैट कंपनी इज़ क्लेमिंग कि इसको लाइक 5 स्टार ग्लोबल एन कैप रेटिंग ईजिली ये कार स्कोर कर लेगी। देन सेफ्टी का काफ़ी ध्यान रखा गया है, यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स भी मिल जाते हैं। और हम बात कर रहे थे कुछ और सेफ्टी फीचर के बारे में, तो वो है हिल होल्ड असिस्ट, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा फीचर है। यहाँ पे आपके हिल्स पे जो कार है वो बैक नहीं होती, चाहे मैनुअल हो चाहे ऑटोमेटिक हो, तो कुछ सेकंड्स के लिए वो होल्ड रहती है अगर आप हिल्स पे ड्राइव कर रहे हैं एंड स्टैंड स्टिल पोजीशन पर हैं। देन यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल अवेलेबल है, जैसे आप कार को डाउन द हिल लेके जाते हैं तो कार ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग करती है, वहाँ पे आपको अपना इनपुट देने की जरूरत नहीं, आप आराम से जस्ट स्टीयरिंग व्हील को संभालें एंड कार ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग करेगी। यहाँ पे ESP व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और ABS विद EBD ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स, ऐसे कई सारे गाइज आपको यहाँ पे टॉप क्लास फीचर्स मिल जाते हैं। तो कार जो है वो हर एक तरीके से काफ़ी लोडेड है, काफ़ी अच्छा आपको स्पेस मिलेगा, काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिलेगा, सेफ्टी वाइज भी इट इज़ रियली नाइस। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। एंड दोस्तों अब आपको यहाँ पे LED हेडलैम्प मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प दिए गए हैं, देन LED फॉग लैम्प भी अवेलेबल है।
और इवन आपको यहाँ पे LED टेल लैंप्स भी ऑफर करे जा रहे हैं। और नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पे अब आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलेंगे जो कि ऑटोमेटिक में अवेलेबल रहेंगे। मैनुअल आप लेते हैं तो यहाँ पे 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स अवेलेबल रहेंगे। एंड इसी के साथ यहाँ पे जो अंडरनीथ चेंजेस हैं काफ़ी ज़्यादा करे जा रहे हैं, जैसे कि हैंडलिंग इंप्रूव करी जा रही है, गियर शिफ्ट जो पहले आपको बहुत ज़्यादा हार्ड मिलती थी उसको भी इंप्रूव करा जा रहा है। तो गियर शिफ्ट आपको काफ़ी स्लिक मिलेगी, यानी कि बहुत स्मूथ गियर मिलेगी, क्लच आपको स्मूथ मिलेगा। देन यहाँ पे जो ओवरऑल सस्पेंशन सेटअप है इसको भी चेंज करा जा रहा है, तो आपको काफ़ी बेटर ये ड्राइवेबिलिटी भी ऑफर करेगी। तो XUV 700 की तरह यहाँ पे आपको ADAS का ऑप्शन तो दोस्तों नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आपको 4x4 का ऑप्शन मिल जाएगा। सो अप्रोच एंगल है 57 डिग्रीज एंड जो डिपार्चर एंगल है दैट इज 47 डिग्रीज एंड ब्रेक ओवर एंगल इज ऑल्सो क्वाइट गुड। तो स्कॉर्पियो में पहले भी दोस्तों आपको 4x4 का ऑप्शन मिलता था, जिसका हमने एक रिव्यू भी करा था, लेकिन उसको बाद में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन अब आपको यहाँ पे 4x4 का ऑप्शन मिल जाएगा, ना ही सिर्फ मैनुअल के साथ बल्कि ऑटोमेटिक के साथ भी। सो ये थे कुछ टॉप फीचर्स ऑफ न्यू स्कॉर्पियो। एंड कुछ अदर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो दीज आर द इंजन ऑप्शंस। सो यहाँ पे आप स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो एन एंड XUV 700 का इंजन ऑप्शन देख सकते हैं, पेट्रोल इंजन। तो स्कॉर्पियो एन एंड XUV 700 दोनों में अवेलेबल है 2 लीटर TGDI 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। पावर एंड टॉर्क इज सेम, 197 BHP एंड 380 Nm ऑफ टॉर्क। देन यहाँ पे 6-speed मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स अवेलेबल रहेगा। एंड बात करते हैं डीजल इंजन के बारे में, सो 2.2 लीटर MHOG 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन अवेलेबल है स्कॉर्पियो क्लासिक में भी, स्कॉर्पियो एन में भी एंड XUV 700 में भी। बट पावर एंड टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट मिलता है, यू कैन सी। सो स्कॉर्पियो एन में अवेलेबल है 172 BHP ऑफ पावर एंड 370 Nm ऑफ टॉर्क आपको मिलेगा मैनुअल में, 400 मिलेगा आपको ऑटोमेटिक में। 6-speed मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स अवेलेबल है। कलर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे आपको व्हाइट कलर, सिल्वर कलर, ब्लैक कलर मिलेगा, एक न्यू ब्लू कलर इंट्रोड्यूस करे जा रहे हैं, एक न्यू आपको ब्रश्ड ग्रीन कलर मिलेगा और इवन एक आपको ब्रश्ड गोल्ड कलर भी मिल जाता है। तो ये तो थे कुछ टॉप फीचर्स जो कि न्यू स्कॉर्पियो ऑफर कर रही है। इसके अलावा आपको कौन सा लगता है कि फीचर ये वाला होना चाहिए था जो कि अवेलेबल नहीं है न्यू स्कॉर्पियो में, तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको किसी भी कार की सर्विस कॉस्ट चेक करनी है वो मेंशन है हमारी वेबसाइट के ऊपर, ऑफिशियल सर्विस कॉस्ट ऑफ एवरी कार, तो किसकी हाई है किसकी लो है वो सब वहाँ से पता कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।